छुटंकी छुटकी छुटंकी ए छुटकी। ये शो का कॉन्सेप्ट ही है कि 36 गुणों के बराबर एक गुण नहीं हो सकता है पैसा कमाना। तो जब उस मकाम पे जब पहुंचते हैं जहां पे आप पैसा छापना शुरू कर देते हैं, वहीं पे आपको सोचना है कि पैसा छापना है या छाप छोड़ना है। 9 शोज एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर कर रहा था और मेरी इनकम उस टाइम में, मैं 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस इंडस्ट्री से मंथली 16 लाख रुपये मंथली कमाता था और मैंने एक रात में सब कुछ रिजाइन किया और फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, शूटिंग सेट पर हूं, छुटकी छुटंकी ये सीरियल है और ये गांव वाला प्रोडक्शन का सीरियल है जिसके प्रोड्यूसर हैं धनंजय सिंह वासु, मेरे बहुत पुराने दोस्त। काफ़ी अंतराल के बाद इस काल में हम लोग मिले हैं धनंजय भाई, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगी धनंजय भाई, जो आपकी सोच उस समय भी थी काफ़ी साल पहले जब मिले थे कि यार वो देसी पना होना चाहिए, वो खालिस पना होना चाहिए, वो आज मुझे यहाँ पे भर भर के मिला है। तो ये जो जुड़ाव आपका बना रहा जबकि सारे सोप ओपेरा अलग जा रहे थे, तो आपने वो दिशा कैसे बना के रखी? दिशा बनाने में एक्चुअली दिशा भ्रष्ट नहीं हुए। अच्छी बात ये है कि दिशा बनाने की कोशिश नहीं की, जैसे चले थे। होता है ना कि आपको दिशा भ्रम हो जाए, तो बहुत साल चैनल में काम करने के बाद भी, एड एजेंसी में काम करने के बाद भी, फिल्में बनाने के बाद भी, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के लिए काम करने के बाद भी, वो हमेशा एक कहते हैं ना कि एक एक चुभन सी रह जाती है कि अपने मन की तो अब तक नहीं की। तो हमने प्रोडक्शन हाउस ही इसीलिए शुरू किया कि हम उन कहानियों को कह सकें जो कहानी हमें कहनी है, उन किरदारों की हम बात कर सकें जो किरदार को हमने देखा है, जिसके साथ हमने जिया है। तो ये एक बहुत ही मतलब उन कहानियों को कहने में लगभग 15-20 साल तो लग गए, मतलब पिछले 5 साल से मैंने प्रोड्यूस करना शुरू किया है और अब तक जितनी भी चीज़ें मैंने प्रोड्यूस की है सब देसी है। मतलब गांव वाला कॉन्सेप्ट स्टूडियोज प्रोडक्शन हाउस का मेरा नाम है। तो इनिशियली जब गांव वाला शुरू हुआ था तो मेरे पास एक दर्जन राइटर्स थिंकर ये आइडिएशन पे ही काम करते थे। मैंने बहुत कोई भी नहीं, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। हमारे ऑफिस में लोग किताबें पढ़ते थे और कहानियाँ गढ़ते थे और ये कोई नहीं जानता था कि जो कहानियाँ इनके साथ मैं आज गढ़ रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, इसका होगा भी क्या। वो आप इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ तो आदत है ना कि चैनल जो मांग रहा है उसको सुनाओ और फिर अगर उसको पसंद आया तो बनेगी, नहीं तो फिर डब्बे में चली जाएगी। तो मैंने 2-2.5 साल अपनी पूरी टीम के साथ वेरियस कॉन्सेप्ट्स में हमने काम किया, बहुत सारे वर्ल्ड लिटरेचर को हमने पढ़ा, अपने लिटरेचर को पढ़ा, फिल्में देखी, यही काम ही किया, खूब ट्रैवल किया, गांव भी खूब घूमे। तो गांव वाला कॉन्सेप्ट स्टूडियोज के पास जो है कॉन्सेप्ट्स की कमी नहीं है, ठीक है। और आज की तारीख में बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स जो हैं हमसे जुड़े हुए हैं, वो राइटर भी हैं जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिख रखी है और वो राइटर भी हैं जिन्होंने बहुत सारे शोज लिख रखे हैं। मतलब इस शो में भी जो राइटर हैं वो प्रियोम झा हैं, जो मेन स्ट्रीम टेलीविज़न इंडस्ट्री में काफ़ी शोज लिख चुके हैं और उनका बहुत अच्छा खासा नाम है, तो वो इस शो को लिख रहे हैं। आपके चुभन थे कि भाई मुझे तो इस तरह की कहानी, इस तरह किरदार गढ़ने हैं जो कि आसपास दिखते नजर आते हैं। लेकिन ये बात चैनल को भी समझ में आ जाना आसान नहीं होता है, ये जो आपने अप्रोच लेवल लगाया या उनकी सोच ही ऐसी हुई कि भाई अब तो करना पड़ेगा? नहीं, इसमें एक खास चीज़ ये है कि जिस चैनल के लिए ये शो हम लोग बना रहे हैं ना, उस चैनल के जो मालिक हैं, जिनका जिनके विजन से ये आज़ाद चैनल आया हुआ है, वो बहुत देसी आदमी है। मतलब कहते हैं ना कि हाई थिंकिंग और सिंपल लिविंग, तो बहुत रैशनल आदमी है, बहुत गुणी आदमी है। भारत रंगा उनका नाम है, ये उनका ही चैनल है और वो बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही खांटी जो सोच होती है उसको बहुत कदर करते हैं वो। और जब उनका चैनल जब इनिशियली जब लॉन्च हो रहा था तो इनिशियल फेज़ में मैं खुद ही बहुत बिजी था और तब मौका नहीं मिला काम करने का। सेकंड फेज़ में जो है हमने कहानियों पे जिक्र किया एक दो बार और उन हाँ ऑफ कोर्स उनको ये ज़रूर यकीन दिलाना पड़ा कि मेन स्ट्रीम जो ऑडियंस जो टेलीविज़न देखती है इस शो को अप्रिशिएट करेगी और देखेगी। तो उन्होंने हमारे कन्विक्शन से बोला कि आपके कन्विक्शन के साथ हम जाएंगे, आप शो बनाइए, आपके कन्विक्शन से देखते हैं। जब आप चैनल के साथ काम करते थे तब बहुत सारे शोज़ किए आपने, लेकिन गाँव वाला कॉन्सेप्ट स्टूडियो में अभी तक कितने शोज कर चुके हो आप? गांव वाले में मैं टेलीविज़न शो 6 बना चुका हूँ जो डेली सोप में,
उसके बाद मैंने एक क्राइम सीरीज सोनी के लिए बनाता था, क्राइम पेट्रोल। तो 3 साल तक हमने क्राइम पेट्रोल प्रोड्यूस किया गाँव वाले ने। अभी एक दंगल चैनल है, उसके लिए भी हम कुछ काम कर रहे हैं। गांव वाले ने 3 मराठी फिल्में अब तक प्रोड्यूस की है, जिसमें से एक फिल्म ब्लॉकबस्टर रही है। और रिसेंटली गांव वाले ने तेलुगु इंडस्ट्री में भी हमने काम शुरू किया है, तो वहां भी 2 फिल्में बना के हमने रिलीज कर दी। तो हम फिल्मों में भी है, टेलीविज़न में ही हैं, और एक म्यूजिकल सीरीज बहुत साल हमने पहले बनाई थी जो नेटफ्लिक्स पे आया था, सतरंगी, फोक म्यूजिक। ओके ओके। तो बहुत ही इनोवेटिव कॉन्सेप्ट पे हम काम कर रहे हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट पे काम चल रहा था। जी 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 जी। ओके। जब ना हम किसी चैनल के साथ जुड़ जाते हैं तो बहुत अच्छी इनकम आने लग जाती है, सर्टेनिटी हो जाती है लाइफ में, तब डर लगता है कुछ भी नया कदम लेने से, तो वो चैलेंज आपने कैसे ले लिया? नहीं, वो इसीलिए मेरा ये शो भी, जो आप जिसका जिसका हम चर्चा कर रहे हैं, ये शो का कॉन्सेप्ट ही है कि 36 गुणों के बराबर एक गुण नहीं हो सकता है पैसा कमाना। तो जब उस मकाम पे जब पहुंचते हैं जहाँ पे आप पैसा छापना शुरू कर देते हैं, वहीं पे आपको सोचना है कि पैसा छापना है या छाप छोड़ना है। अगर आपको छाप छोड़ना है समाज में, सोसाइटी में, देश में या इंडस्ट्री में, तो आपको बहुत साइड में रखना पड़ेगा पैसे को। तो मैंने जब मैं एक ही टाइम में 9 शोज एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर कर रहा था, और मेरी इनकम उस टाइम में, मैं 2007 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इस इंडस्ट्री से मंथली 16 लाख रुपए मंथली कमाता था, और मैंने एक रात में सब कुछ रिजाइन किया और फिर मैंने अपनी कंपनी शुरू की। और उसमें फिर आपने 2.5 साल इन्वेस्ट किए? हाँ हाँ, बिल्कुल, कुछ भी नहीं किया। बिल्कुल, 3 साल जो है वो कांटों का सफ़र रहा, उसके बाद हमने काम करना शुरू किया। तो अभी वाकई बहुत अच्छा चल रहा है काम। अच्छा चल रहा है, और अब तो गाँव वाला कॉन्सेप्ट क्रिएशन बहुत आगे निकल गया। लेकिन उस टाइम जब आप ये करना शुरू कर रहे थे, तो हमारे आसपास के लोग हमें समझाते कि क्यों यार इतना पंगा ले रहे हो, लाइफ अच्छी खासी चल रही है, तो ये समझाइए। हाँ, कि जब मैं चैनल के लिए, अलग अलग चैनल्स के लिए शो एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर बना रहा था, तो मेरे बहुत सारे बेरोजगार जो दोस्त थे वो मेरे साथ जुड़े हुए थे, उनको काम मिलता था। और जब उनको लगा कि अब ये तो अपनी कंपनी खोलने निकल पड़ा भाई, तो अब काम तो है नहीं, अब वो बेकार होने लगे, तो उनकी तरफ से बहुत ही तीखे रिएक्शन मुझे मिले कि तुम भाई चने बेचोगे? नहीं, उन्होंने बड़ा क्लियर बोला कि भाई ये बहुत मुश्किल है, तुम चने बेचोगे? मैं बोला चना भी मेरा सबसे ज़्यादा बिकेगा। तो अब आगे की जो आपने प्लानिंग की है, जो शोज के बारे में सोचा है, वो किस किस तरह के आएंगे? वो शोज कॉन्सेप्ट जो है वो एक बहुत ही डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सारे कॉन्सेप्ट को गढ़ा है, पर जितनी भी कहानियाँ हैं और जितने भी किरदार हैं वो बिल्कुल आपकी आँखों से गुजरे हुए हैं। ठीक है, जिसको आप रोज़ाना की ज़िंदगी में तो आप देखते हैं, पर जैसे ही टेलीविज़न पे या सिनेमा के पर्दे पे आते हैं ना, बहुत ही कंट्राइव एक वर्ल्ड बन जाता है, वो रिलेटेबल आपको नहीं लगता है। हमारी कोशिश यही है कि बहुत ही ऑथेंटिक जो किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको एक साथ हम इकट्ठे कहते हैं, और एटलीस्ट किसी मैसेज के ऊपर मुझे शो नहीं बनाना है, पर मेरा शो अगर मैसेज न पहुँचाए तो काम करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे ऋषिकेश मुखर्जी बहुत पसंद है इंडियन मेकर में। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि कहानी कहते कहते जो है ना, आप ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, और कहते हैं ना महसूसीकरण यंत्र, अगर यहाँ किसी को नहीं छू पा रहे हो तो कोई भी काम करने का कोई मतलब नहीं, अधूरा है। हाँ, तो अभी भी जो गांव वाले की जितनी भी कहानियाँ मेरे पास है, जो प्रोजेक्ट मेरे चल रहे हैं, जो बहुत ही सीरियस कम्युनिकेशन में मैं हूँ, वो सब बहुत इनोवेटिव है। मैं उस तरफ जा ही नहीं रहा हूँ जिस तरफ पूरी दुनिया घूम चुकी है। तो मेरे जितने भी टेलीविज़न में जितने भी शोज आपको मिलेंगे, जो दिखाई पड़ेंगे आने वाले दिनों में, ऑफकोर्स वो ऋषिदा की दुनिया के आसपास होंगे। वो स्लाइस ऑफ लाइफ होगा, ड्रामा होगा, और बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर होगा। डार्क कोई सब्जेक्ट पर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। दुनिया ऐसे ही बहुत मुश्किल दौर से निकली है, अगले 10 साल तक उनको हंसाना और उनको बेहतर जिंदगी, वाकई वर्थफुल है, उनको महसूस कराना जरूरी है। आप इतने गुड़ी लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिन्होंने लिटरेचर किया हुआ है या बहुत शोज किए हैं, ऐसे में नए लोगों के साथ आप कितना काम करो, कितना करेंगे? नहीं, मेरे पास जो ये पूरी एक फौज नए लोगों की है। मतलब मेरे यहाँ कम से कम 16-17 इंटर्न हैं जो मेरे साथ काम करते हैं। मैं अपनी गाड़ी अगर लेकर के निकलूँगा, आप देखेंगे मेरे गाड़ी में 10 लोग बैठे हुए होंगे, सारे के सारे इंटर्न हैं। तो खेप जो है वो ट्रेंड होती है, फिर वो चैनल में इधर उधर चले जाते हैं, फिर नए लोग आते हैं। तो मेरे साथ तो मैंने देखा है कि मेरे हर चैनल में मेरे ख्याल से 2-4 जो मेरे प्रोडक्शन हाउस से और मेरे ज़रिए निकले हुए लोग चैनल में बैठे हुए। ओके।
तो नई खेप की बुआई जो है सिंचाई होती रहती है और यही गांव का कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल वो सिंचाई जारी है। तो नए मतलब टैलेंट बिल्कुल हमारे पास है, पर मैं हूँ बहुत चुनिंदा। ऐसा नहीं कि कोई भी आया बोला आ जा, मतलब उसको थोड़ा कांटों के सफर करना पड़ता है मेरे साथ, ऐसे ही नहीं होता। मतलब बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत सालों के बाद। नहीं बिल्कुल। तो ये है धनंजय सिंह मासूम, जो कि चैनल की एक चलती हुई 16 लाख रुपए से ज़्यादा के पैकेज की सैलरी को एक दिन में रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि उनके जहन में बहुत क्लियर है, दिलो दिमाग एकदम क्लियर है कि पैसा छापना नहीं है, लोगों के दिलों में छाप छोड़नी है। और आज छाप छोड़ने में कामयाब हो गए। इस बीच में कई लोगों ने ताने दुस्की भी की, वो हमेशा होता है। जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, भीड़ से अलग चलना चाहते हैं, तो कुछ आपको रोकते हैं, कुछ खींचते हैं, लेकिन आज भी भीड़ उनके साथ चल रही है, लेकिन वो भीड़ भी अपनी छाप कहीं ना कहीं छोड़ रही है। जैसा उन्होंने कहा कि बहुत सारे चैनल्स में काम कर रहे हैं, अब खेप के खेप में करिए। उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला, उन्होंने अपने मन की बात नहीं बदली, हाँ अब चैनल बदल गए हैं और उनकी बात को मान रहे हैं, समझ रहे हैं। आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप।